साल इस देश को इस ढंग से लूटा है कि आज हम ये कह सकते हैं जमीन ने नीचे कर देखो तो कोयला निकलता था, कोयला का घोटाला इन्होंने किया। अगर जमीन की मैं बात करूं तो जमीन बेचने का घोटाला इन्होंने किया। अगर अगस्त हेलीकॉप्टर की बात करूं तो वो भी इसके खा गए थे। आज बार बार इन्होंने कहा कि राफेल के मुद्दे को हम उठाना चाहते हैं। इन्होंने कहा बार बार तुमने झूठ बोला था। साथियों मैं ये बात कहता हूं कि आज जो देश का प्रधान सेवक के रूप में इस देश का नेतृत्व कर रहा है, हम सब इस बात को मानते हैं कि आज से पहले पूरे 55 साल बिता दें तो अभी कभी देश का ऐसा प्रधान सेवक कभी इस देश को नहीं मिला जिसने पूरे विश्व पटल पर भारत का सम्मान बढ़ाया हो। और आज हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश को अलग थलग खड़े कर दिया है कि उसको वो मुंहतोड़ जवाब देता है जब भी चाहे जैसा चाहे। आज से पहले इस 70 साल के अंदर में किसी प्रधानमंत्री की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन बार बार ये बात कहते थे कि कहां गए वो 56 इंच का सीना। उस आदमी ने करके दिखाया कि पहले सर्जिकल स्ट्राइक करके दिखाई, और अब जब बार बार ये हो रहा था तो उस कायरा में हरनवा के जब उन्होंने हमला किया पाकिस्तान ने, तो पाकिस्तान से एक बात मुंहतोड़ जवाब देने की बात की। और उन्होंने कहा कि मैं अपनी सेना को ये कहना चाहता हूं कि सेना को जब चाहे जैसा चाहे जिस वक्त चाहे उस वक्त खुला फैसला है। और आप मान के चलो एक बच्चा बच्चा इस बात को पुकारता है कि पाकिस्तान को तो हम जब मर्जी जवाब देना चाहते हैं, कहीं को दो राय की बात नहीं। और हमारे सैनिकों ने जाकर उसके अंदर जाके घुसकर उन आतंकवादियों को खत्म किया। लेकिन ताज्जुब तो इस बात की है जिसका बेटा अपने गोद में से भेज के सेना में भर्ती कराए, जिस मांग कर सिंदूर उधर के वहां पर सेना में भर्ती कराए, जिस छोटे बच्चे का माँ बाप अगर हो तो वहां सेना में हमारी रक्षा करे, अगर उसके ऊपर भी कांग्रेस के साथी अगर प्रश्न चिन्ह लगाए तो इससे बड़ा शायद अपमान इस देश का नहीं हो सकता। आप ये बात बात कह रहे हैं कि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष इस बात को कह रहे हैं। कांग्रेस के कई वक्ताओं ने कहा कि हमने तो पेड़ हलते हुए देखे थे। अरे उनके जाके पूछो उनके दिल में क्या बीत रही है। खुद वहां का इमरान खान इस बात को कह रहा है।